हे गाइस, आज की वीडियो रियल में हमारी काफ़ी कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा फ़ोन किसी बंदे ने हैक तो नहीं कर रखा है, कॉल को फॉरवर्ड तो नहीं कर रखा है, यानी कि आपके फ़ोन पर जो कॉल आती है उस बंदे को पता लग जाती है, यानी कि कॉल फॉरवर्ड तो नहीं कर रखी, मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं कर रखे, यानी कि आपके फ़ोन पर जो मैसेज आते हैं अदर बंदा सीन कर लेता है। तो इस चीज़ को हम कैसे पता लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम यही चीज़ सिखाने वाले हैं। आपका डाटा लीकेज तो नहीं हो रहा है, कैसे हम पता कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाली, प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छोटी सी वीडियो होने वाली है, प्लीज़ यार पूरी वीडियो को वॉच जरूर कर लेना। तो चलिए सीख लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने डायल पैड को ओपन करना है। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। डायल पैड को ओपन करने के बाद एक कोड डालना है सबसे पहले, ठीक है। तो कोड है *#, ठीक है ना, 61, एंड उसके बाद फिर से आपको हैश लगाना है। आपके फ़ोन में जितनी भी सिम पड़ी हैं दोनों पर वन बाई वन ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी एयरटेल वाली सिम पर ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो एयरटेल पर मुझे क्लिक कर लेना है जैसे कॉल करते हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी देर हमें यहाँ पर वेट करना होगा, एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा होगा आपके पास। तो यहाँ पर सब चीज़ देख सकते हो, नॉट फॉरवर्डिंग लिखी हुई आ रही है, ठीक है ना, कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस नॉट फॉरवर्डिंग, यानी कि इस प्रकार से आपके फ़ोन में आ रहा है तो आपका फ़ोन जो है हैक नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको देख लेनी है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, तो मेरे मैसेज फॉरवर्ड हो रखे हैं, कुछ भी फॉरवर्ड नहीं हो रखा है, वॉइस नॉट फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, सारा कुछ डाटा नॉट फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ये कोड काम नहीं कर रहा हो तो मैं दूसरा कोड भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दूसरा कोड डालूँगा *#67, ठीक है ना, एंड उसके बाद आपको फिर से हैश लगा देना है और फिर से आपको इसे डायल कर देना। तो यहाँ पर मैं फिर से एयरटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आपके फ़ोन में जितनी भी सिम पड़ी हैं एक या दो, दोनों पर वन बाई वन ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी हमारा यहाँ पर कोड काम कर रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज़ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी मेरा कुछ भी फॉरवर्ड नहीं हो रखा है, ना तो कॉल, ना वॉइस, ना मैसेज, ना डाटा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पर फॉरवर्ड हो रखा है उसे डिसेबल करना है, ये भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ कैसे हम उसे डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको, अगर आपको लग रहा है हमारा फॉरवर्ड है यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी चीज़ फॉरवर्ड हो रखी है आपकी, तो आपको करना क्या है, यहाँ से बैक होना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक आपको कोड डालना है *#002#, ठीक है ना, एंड डायल फिर से कर देना है, ठीक है ना। इतना सा करना है और जो भी कोई चीज़ आपकी यहाँ पर फॉरवर्ड हो रखी होगी वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग एंड सर्विस हैज बीन डिसेबल, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा एंड कि जो भी कोई चीज़ फॉरवर्ड हो रखी होगी वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी।